पहली बात तो ये हमारे साथ वादा किया है मिनिस्टर साहब ने, वो आज शाम 5 बजे आएंगे, हमारे साथ मुजाकरा करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई नेगेटिव आते हैं तो हम ये मार रोड जो है इस पर स्टे करेंगे, रात इधर गुजारेंगे इंशाल्लाह। हम इधर कम लगाएंगे, हम मार रोड के ऊपर। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, रात गुजार लेंगे आप? हमने अपनी जवानियाँ सर्व कर दी हैं और इससे आगे कुछ नहीं है, और इंशाल्लाह हम सर्दी का डिफेंड करेंगे हर लिहाज से। हर चीज़ को हम उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रखा हुआ है और इंशाल्लाह उसको हम डिफेंड करेंगे, हर लिहाज से करेंगे, इंतजाम करके आए हैं हम। ठीक है, ये जो है ये हमें निकाल के रीअपॉइंट करना चाहते हैं, बाकी नए बंदे भर्ती करना चाहते हैं कि ये हमारा 1 करोड़ नौकरियों का जो है टारगेट पूरा हो, ये मेन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, ये मेरे अकब में जो लोग देख रहे हैं ये कुछ दर्जा दो के दर्जा चार के मुलाजम नहीं है, दे आर आल टू आल, ये तमाम के तमाम लोग इंजीनियर्स हैं और पानी के ऊपर इनकी इस कदर खिदमात हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मैं अभी इन्हीं से बात करता हूं और ये लोग यहां पर क्यों इकट्ठे हुए, इनके इकट्ठे होने का मकसद क्या है, ये यहां पर सड़कों पर क्यों आए, हम यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मलिक रशीद भोन। अच्छा मलिक रशीद साहब, क्या मामला है, क्या वजह है आप इंजीनियर साहिबान को यहाँ पर सड़कों पर आना पड़ गया? सर हम 2004-05 से इस महकमे में इन हुए थे, नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज से 2004-05 से हमने इस महकमे में इंट्री की है, पूरे मुल्क में हमारी ये भर्ती हुई थी। उस वक्त से लेकर 2010-12 तक ये प्रोग्राम हमने चलाया, हमने खाले पक्के किए, इंतहाई मुश्किल काम था, लोगों को शऊर नहीं था, पानी की बचत का शऊर नहीं था, साथ ही उनको फार्मर शेयर देना होता था, मिस्त्री मजदूरों के पैसे, हमने मेहनत करके लोगों को शऊर दिलवा के मोटिवेट करके खाले पक्के करते रहे और हर साल हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर आगे हमारी एक्सटेंशन होती रही। 2010-12 के बाद एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम कंपोनेंट था, उसमें हमें शिफ्ट किया गया हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर। उस प्रोजेक्ट की अब 31 दिसंबर यही 2021 को क्लोजिंग हो रही है और आगे नेशनल प्रोग्राम का फेज़ 2 चल रहा है। उस प्रोग्राम में हमें शिफ्ट करने के लिए PC1 में भी शामिल है कि यही जो स्टाफ है PPP का, इनको नेशनल प्रोग्राम फेज़ 2 में हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन वो अभी गवर्नमेंट, हमारा कल आखिरी दिन है और गवर्नमेंट इत्तलाल से काम कर रही है, पता नहीं 1-2 मीटिंग हुई है, कहते हैं कि आगे कैबिनेट डिवीजन में होगा, वो मतलब है डिले हो रहा है, हमारा कल आखिरी दिन है तो हम इधर आए हुए हैं कि हमें जो है अगले इसमें शिफ्ट किया जाए ताकि हमारा रोज़गार कायम रहे, हम नौकरियों पे चलते रहें। और 16 साल से काम कर, दूसरी बात ये है कि 2004-05 से हमारे साथ पूरे मुल्क की भर्ती हुई थी और सिवाय इस सूबे के, जिस सूबे में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, इस पंजाब में हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, हमने जंगल वीरान जंगल को मंगल बनाया। आप खुदा की कसम देखें, जो पहले मतलब बंजर ज़मीनें थी, गैर आबाद थी, नाहमवार थी, उनके ऊपर ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम लगा के वो देखें, आप हैरान होंगे कि इधर रेत के टीलों पे ऊपर बाग लगे हुए हैं, फसलें हशाश बशाश नज़र आ रही हैं। आप कभी फील्ड में जाए आपको पता चलेगा कि इन्होंने मेहनत क्या की है। हर पंजाब के हर रोड पे, किसी रोड पे आप चले जाएं, हर 2-4 किलोमीटर के बाद हमारे महकमे का बोर्ड, साइन बोर्ड आपको नज़र आएगा, कहीं ड्रिप लगी हुई है, कहीं स्प्रिंकलर लगा हुआ है, कहीं वाटर कोर्स बना हुआ है पक्का, कहीं होजरी लगी हुई है, सारे हमारे सिस्टम हर रोड के, जिस रोड पे आप चलेंगे, जिस तरह ये शहीदों के बोर्ड लगे हुए होते हैं ना आर्मी वालों के, उससे भी ज़्यादा हमारे ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं। हमने काम किए हैं फील्ड में, वाटर मैनेजमेंट में। ये ऐसा महकमा है कि लोगों को शायद ये इतना पता ही नहीं है सिवाय हमारे अपने के महकमे के हेड के। हमें सब पता है कि कितनी मेहनत से ये काम करना पड़ता है। शी साहब, मुझे जहाँ तक लगा पता कि आप लोगों के यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद है, ये आप लोगों का महकमा ख़त्म करना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा प्रोजेक्ट जो आगे हमने शिफ्ट होना है ना, जो PC1 पे लिखा हुआ है कि इसी स्टाफ को शिफ्ट करेंगे, वो शिफ्ट नहीं कर रहे, निकाल रहे हैं, अभी हमें निकाल रहे हैं। 1362 मुलाजमीन है वाटर मैनेजमेंट में, ओवरऑल तमाम जो है ना इंजीनियर हैं, इसमें सिविल इंजीनियर भी हैं, MSc एग्रीकल्चर भी हैं, BSc भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, इलेक्ट्रिकल भी हैं। ये अब जो है ना गवर्नमेंट हमें निकालना चाहती है,
16 साल से हम इस महकमे में काम कर रहे हैं। अब हमें गवर्नमेंट कहती है आपका कोई जो है ना इधर कोई काम नहीं है, आप जो है ना घर चले जाएं। उसके बाद तमाम सूबों में पूरे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में भर्ती हुई थी सर, 3 सूबों में रेगुलर कर दिया गया है। सूबा सिंध में भी हमारे वाटर मैनेजमेंट मुलाजमीन को रेगुलर कर दिया गया है, बलूचिस्तान में भी रेगुलर कर दिया गया है, खैबर पख्तूनख्वा में भी रेगुलर कर दिया गया। आप इतने अरसे से आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा, रेगुलर तो एक अलग बात है ना सर। तो हमने जितनी मेहनत की है इनको तो चाहिए था कि ये खुद ब खुद हमें रेगुलर करते, इनके पास नफरी नहीं है इस महकमे में काम करने के लिए, ये तो हमारा एहसास करते कि यही है जो इस महकमे का दिल है, इनको तो रेगुलर ये महकमा चला सकते हैं, इतने स्किल्ड हैं, इतने तजर्बाकार हैं, इन्हें तो एहसास होना चाहिए था कि इनको रेगुलर करें, ये उल्टा हमें निकालने के पीछे पड़ गए हैं भाई 31 दिसंबर को आप फारिग। अच्छा ये 1300 भी है, एक होता है ना भाई प्रोजेक्ट नहीं होता भाई, इनके इनका काम नहीं है, इनकी जगह नहीं है, इनके फंड नहीं है, प्रोजेक्ट भी है, PC1 में भी लिखा गया है कि यही स्टाफ आगे काम करेगा, उसके बावजूद भी जो है समझ नहीं लगती कि ये क्या करना चाहते हैं हमारे। अच्छा, सर ये हमें निकाल के ये और भर्ती करना चाहते हैं PTI वाले, असल मसला इनका ये है कि इनको निकाला जाए, मकामी MPA MNA को दोबारा उपलब्ध किया जाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं 16-17 साल हमें हो गए इस फील्ड में, अब हम ओवरेज हो गए, किसी फील्ड में भी बंदा 16-17 साल लगाता है तो उस फील्ड में बंदे का एक मकाम बन जाता है, अब हम किधर जाएंगे। अच्छा मुझे ये वजह बताना चाह रहे थे, मुझे वजह बताएं, रीज़न बताएं, रीज़न क्या है आप लोगों को यहाँ से आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके आपके महकमे को ख़त्म करने का। नहीं महकमा तो है सर, बाकी तरह नहीं, एग्रीकल्चर तो है लेकिन 1362 इंजीनियर निकाल रहे हैं ये, यहाँ तो पाकिस्तान को इंजीनियर साहबान किसकी ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो इस गवर्नमेंट इंजीनियर से नफरत है, वजह क्या है। वजह तो जराए तो यही बताते हैं कि जो है ना ये नहीं फिर दोबारा भर्ती करेंगे, नहीं सिर्फ नौकरियों का ना, ये 1 करोड़ नौकरियों का टारगेट पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, ये जो है ये हमें निकाल के रीअपॉइंट करना चाहते हैं, बाकी नए बंदे भर्ती करना चाहते हैं कि ये हमारा 1 करोड़ नौकरियों का जो है टारगेट पूरा हो, ये मेन वजह। अगर गवर्नमेंट आपका मुतालबा नहीं मंजूर करती, आज आप लोग असेंबली हाल के बाहर मौजूद हैं, अगर मुतालबा आपके मंजूर नहीं होते तो इसके बाद का लाया अमल क्या है आपका। हमारा सर कैबिनेट मशवरा कर रहा है, हमारा इसके बाद का जो है ना आज शाम 5 बजे तक जो है ना मेरे मिनिस्टर साहब है ना एग्रीकल्चर ने वो आना है, अगर वो आज 5 बजे तक नहीं आते इधर, उन्होंने जो है ना इधर वो हमारे सदर साहब हैं उनसे साथ उनके साथ बात हो गया है, मेरे अगर वो नहीं आते तो अगला हमारा लाया अमल ये है हम इधर धरना देंगे। आपके सदर कहाँ पर हैं? वो सदर साहब कहीं गए हुए हैं सर। इन्होंने 300 बंदा पहले भी इन्होंने परमानेंट किया है, 300 बंदा इन्होंने पहले परमानेंट किया है, और हमारा क्या कसूर कि हाँ हमें क्यों नहीं कर रहा है परमानेंट। अच्छा मैं खान साहब यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपने वादा किया 1 करोड़ नौकरियों का, आप वो 1 करोड़ नौकरियां अगर नहीं दे सकते तो ना दें, और खुदा के लिए खुदारा ये 1362 अफराद नहीं 1362 खानदान है, ये कोई मजदूर नहीं है, ये पढ़े लिखे नौजवान है, ये जो साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं इन्होंने MSc की हुई है, ये MSc ये इंजीनियर और बाहर जितने भी यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं ये सारा ये तमाम के तमाम लोग इंजीनियर हैं, और इंजीनियर बनने के लिए ये को आलू छोले नहीं भूनने पड़ते, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, इंजीनियर ऐसे नहीं बना जाता, माँ बाप के पीछे बहुत मेहनतें हैं, अगर आप 1 करोड़ नौकरी नहीं दे सकते तो खुदा के लिए ये 1362 अफराद की नौकरी ना छीने, ये 1362 अफराद के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, ये कहाँ पर जाएंगे, हमारी इधर से लाशें जाएंगी, हम वापस ऐसे नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते यार, किधर जाएंगे हम? अब कारोबार पहले नहीं है, जाएंगे किधर? अब कारोबार पहले नहीं है, यहाँ पर जो मेरा ताजर है पाकिस्तान का जो ताजर है वो पहले चीखे मार रहा है, लोग अपने मुलाजमीन कम कर रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में नहीं हो रही, पहले क्या होता था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती थी, जो जितने भी ये कंपनीज बनी हुई हैं ये यहाँ पर अपने जो इंजीनियर्स मुख्तलिफ शोबों से उठाते थे, इवन के पाकिस्तान में जो रिटायर बंदा हो जाता था कि वो भी बेरोज़गार नहीं रहता था, रिटायर इंजीनियर भी यहाँ पर बेरोज़गार नहीं रहता था, वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चला जाता था,
खुदा के लिए इनके मुतालबात को कबूल करें, इनके मुतालबात माने। और ये सिर्फ आपको यही कह रहे हैं कि हम जैसे चल रहे हैं इनको ना करें पक्का? बिल्कुल। लेकिन आप इनका कॉन्ट्रैक्ट तो ना खत्म करें, जिस तरह जो ये आपसे पेंशन तो नहीं मांग रहे, ये आपसे रिटायरमेंट तो नहीं मांग रहे। वर्क भी है महकमे में, काम भी है, प्रोजेक्ट भी है, मतलब हम नहीं चलाने हैं। नए बंदे भर्ती करने की बजाय हमें आगे मौका देना, कंटिन्यू रखे। अगर तो ये हो ना कि आपको इस महकमे की जरूरत ही नहीं। अभी जैसा कि ये साहब बता रहे हैं कि आप लोग इनको खत्म करके एक नई वैकेंसियां निकालेंगे, जब नई वैकेंसियां निकालेंगे तो आपके ही हवारी जेबे गरम कर लेते हैं लाखों रुपया एक सीट के लिए। लाखों रुपया एक सीट के लिए पाकिस्तान में इस वक्त पे किया जा रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।